हे प्रभु, आपना भक्तो आपने जे प्रेम पूर्वक वनमाळा अर्पण करे छे तेनो आप बहुज आदर साथे स्वीकार करो छो। भक्तो माटे आपनो केवो विलक्षण प्रेम छे एनु आ प्रत्यक्ष उदाहरण छे। साक्षात भगवती लक्ष्मी पण आपने प्रेम करे छे, परंतु आपना वक्षा स्थल परनी आसपास ते वनमाळाने फैलायेली जोईने तथा भक्तों माटे आपनो विशेष प्रेम जोईने तेवो शोकनी जेम ते वनमाळानी अदेखाई करे छे। ते वनमाळामां तुलसी पण होय छे। तुलसी अर्पण करवाथी आपनी पूजा सारी रीते संपूर्ण गणाय छे अने आप वधारे ने वधारे प्रसन्न थाव छो। एवा आपना चरण कमळ अमारा बधाज अमंगळोने भस्म करवा माटे अग्नि रूप थाव। वामन अवतार समये त्रण चरण भूमि मापवा माटे आपनो बीजो चरण सत्यलोकमां पहोंच्यो त्यारे आपे आपना आ चरणों वड़े त्रिलोकने मापी लीधु। त्यारे आपनी कीर्तिनो ध्वज त्रिलोकमां लहेरायो। ते समये ब्रह्माजीए आपना ते चरण कमळने पखाड़ीने ते जड़ पोताना कमंडळमां राख्यु। तेमांथी जड़नी त्रण धाराओ निकली जेने भागीरथी गंगा कहे छे। ते तो आपनी कीर्ति पताका ज छे। आपनु स्वरूप असुरोना सैन्यने तो भयभीत करी देनारु छे, परंतु आपना भक्तो अने देवताओना समूहने अभय आपनारु छे। हे भूमा भगवन, आपना आ चरण कमळ साधु संतोने तो परम पदनी प्राप्ति करावनारा छे, परंतु जे तेमनो अनादर करे छे ते नरकोमां जाय छे। प्रभु, आपना आ चरण कमळ अम उपासकोना समग्र पापोने नष्ट करीने अमने पवित्र करे। जेवी रीते नाथेलो बळद पोताना मालिकने वस्थई काम करे छे, तेज प्रमाणे ब्रह्माजीथी लईने जेटला पण शरीरधारी जीवो छे ते बधा आपसमां तो लड़िया करे छे, परंतु आपने आधीन रहे छे। आप काळ स्वरूप छो तथा प्रकृति अने पुरुषथी पण पर छो। आवा पुरुषोत्तम स्वरूप आपना चरण कमळ अमारा कल्याणनी वृद्धि करनारा थाओ। आप ज आ जगतनी उत्पत्ति स्थिति अने संहारना कारण छो। आप ज अव्यक्त पुरुष महत्तत्व आ बधानु नियंत्रण करवा वाळा छो तथा काळ स्वरूप पण आप ज छो। संवत्सर रूपे ठंडी गर्मी अने वर्षा ए त्रण ऋतुओ ज त्रण नाभीओना रूपमां आपनु काळ रूपी चक्र खूब ज तेज गतिथी चक्कर लगावी रह्युं छे। ते काळ बधानो नाश करवा माटे खूब तत्पर रहे छे। आवा आ बधाना शासक पुरुषोत्तम आप ज छो। सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ पुरुष आपथी ज तेज प्राप्त करीने अमोघ पराक्रमी बनी जाए छे अने आ विश्वना गर्भनी जेम महत्तत्वने धारण करे छे। तेज हिरण्यगर्भ ब्रह्मा माया साथे मळीने सुवर्ण जेवा ब्रह्मांड कोषनी रचना करे छे के जे पृथ्वी जड़ अग्नि वायु आकाश अहंकार अने महत्तत्वना रूपमां सात आवरणों वाळू छे। आ विराट ब्रह्मांड आपनाथी ज उत्पन्न थयुं छे। आप ज आ चराचर विश्वना अधीश्वर छो। आ संपूर्ण जगत मायाना गुणोथी अने तेमनी विक्रियाथी ज उत्पन्न थयुं छे। हे ऋषिकेश, आप ज बधी इंद्रियोना स्वामी छो अने आप तेमना विषयोना भोक्ता पण छो, परंतु आश्चर्य छे के आप तेमना भोक्ता होवा छता पण तेमनाथी लेपाता नथी, परंतु बीजा जे लोको स्वयं ते भोगोनो त्याग करी दे छे तेवो त्याग कर्या पछी पण तेमनाथी बीता रहे छे। आपना अंतःपुरमां 16,000 राणियो छे, तेवो पोताना स्मित हास्य अने हाव भर्या कटाक्षथी अभिप्राय दर्शावती तेमज भावरसने उत्पन्न करता मधुर भावने जागृत करीने वातचीत द्वारा हमेशा काम बाणों फेंकी रहेल होवा छता आपना मनने लेश मात्र पण चलित करवा समर्थ थई नथी। परंतु आपनी बे पुण्यमयी नदियों त्रिलोकना तमाम पापों ने धोई नाखवा
पूरी रीते सक्षम छे। तेमा एक तो आपनी कथामृत रूपी नदी छे, तेनू निरंतर कान द्वारा श्रवण करवामा आवे तो हृदय निर्मल बनी जाय छे। अने बीजी नदी जे आपना चरणोंना प्रक्षालन द्वारा उत्पन्न थयेल गंगाजी छे, जे स्नान द्वारा लोकोने पवित्र करे छे। आवी आ बे पवित्र नदीओनू पुण्यशाळी सज्जनो निरंतर सेवन करे छे। श्री शुकदेव जी कहे छे, परीक्षित समस्त देवताओ अने भगवान शंकर सहित ब्रह्मा जीए आ प्रमाणे भगवाननी स्तुति करी, त्यार पछी तेवो प्रणाम करीने पोताना धाममां जवा माटे आकाशमां उभा रहीने भगवानने आ प्रमाणे कहेवा लाग्या। ब्रह्माजीए कह्युं, हे सर्वात्मा प्रभु, पहेला अमे आपने अवतार धारण करीने भूमिनो भार उतारवा माटे प्रार्थना करी हती, ते काम अमारी प्रार्थना मुजब आपे ज यथोचित रूपे पूरु करी दीधुं। आपे सत्यपरायण साधु पुरुषोना कल्याणार्थे धर्मनी स्थापना पण करी दीधी अने दसे दिशाओमां एवी कीर्ति फैलावी जेना श्रवणथी लोकोना मनना दोषो नष्ट थई जाय छे। आपे आ सर्वोत्तम रूप धारण करीने यदुवंशमां अवतार लीधो अने जगतना हित माटे उदार अने पराक्रमपूर्ण अनेक लीलाओ करी। प्रभु, कलियुगमां जे सद्भावना वाळा मनुष्यो आपनी आ लीलाओनो श्रवण कीर्तन करशे ते सरळतापूर्वक आ अज्ञानरूप अंधकारथी पार थई जशे। हे पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान प्रभु, आपने यदुवंशमां अवतार लीधाने 125 वर्ष वीती गया छे। हे सर्वाधार, हवे आप अम देवताओना तमाम कार्योने पण सारी रीते पूरा करी दीधा छे, हवे कोई काम बाकी नथी। ब्राह्मणोना शापने कारणे आ यादव कुळ पण एक रीते नष्ट थई चुक्यो छे। तेथी हे वैकुंठनाथ, जो आप उचित समझो तो पोताना निजधाममां पधारो अने आपना सेवक एवा अम लोकोनू तथा अमारा लोकोनू पालन पोषण करो। भगवान श्री कृष्णे कह्युं, ब्रह्माजी, आप जेम कहो छो हूँ तेवो ज निश्चय आप पहला ज करी चुक्यो छूं। मैं आप लोकोनू बधु कार्य पूरु करीने पृथ्वीनो भार उतारी नाख्यो छे, परंतु हजी एक काम बाकी छे। ते ए छे के यादवो बड़ पराक्रम वीरता शूरता अने धन संपत्ति थी उद्धत थई रह्या छे। तेओ संपूर्णपणे पृथ्वीने हड़प करवा माटे ताकीने बैठा छे। ते लोकोने मैं बराबर ए रीते रोकी राख्या छे जेम समुद्रने तेना किनारानी भूमि। जो हूँ अभिमानी अने उच्छृंखल यादवोना आ विशाळ वंशनो नाश कर्या विना जईश तो तेओ बधी ज मर्यादाओ ओळंगीने समग्र लोकोनो संहार करी नाखशे। निष्पाप ब्रह्माजी, हवे ब्राह्मणोना शापथी आ वंशना नाशनो प्रारंभ थई चुक्यो छे, तेनो अंत थई जता हूँ आपना धाममां थईने मारा निज धाममां जईश। श्री शुकदेवजी कहे छे, परीक्षित, ज्यारे अखिल जगतना अधिपति भगवान श्री कृष्णे आ प्रमाणे कह्युं त्यारे ब्रह्माजीए तेमने प्रणाम कर्या अने देवताओनी साथे तेवो पोताना धाममां चाल्या गया। तेमना गया पछी तुरंत ज द्वारकापुरीमां मोटा मोटा अपशुकनो मोटा मोटा उत्पात शुरू थई गया। तेमने जोईने यदुवंशना आबाल वृद्ध बधा भगवान श्री कृष्णनी पासे आव्या। भगवाने तेमने आ प्रमाणे कह्युं,